Good afternoon all, welcome back to our online classes. This is Shubhangi Miss from 2nd Standard and today we are going to learn about our poem is The Cow. Okay, आज की हमारी poem है The Cow. Previous video में हमने इस poem को rhythm के साथ learn किया था. आज हम देखेंगे इस poem का explanation. Okay, so now listen carefully. The friendly cow on red and white, the friendly cow on red and white, I love with all my heart. Then she gives me cream with all her might to eat with apple tart. Okay, so now listen. The friendly cow on red and white, the friendly cow all red and white, I love with all my heart. ये जो काऊ है, जो प्यारी गाय जो है, ये लाल सफेद ब्राउन कलर की होती है, हम सबको पता है. तो ये जो सफेद और लाल कलर की जो प्यारी गाय होती है, गाय है जो मुझे पूरे दिल से बहुत प्यार करती है. ओके, हम सबको पता है काऊ बहुत फ्रेंडली होते हैं, है ना, जिससे हमें दूध मिलता है. तो ये जो काऊ है ये मुझे अपने दिल से बहुत प्यार करती है. एंड शी गिव्स मी क्रीम विद ऑल हर माइट टू ईट विद एप्पल टार्ट. और ये जो मेरी गाय जो है ये अपने प्यार के साथ मुझे क्या देती है, दूध और साथ में मलाई भी देती है, राइट. और इसी मलाई से, इसी दूध से हम क्या बनाते हैं, एप्पल टार्ट बनाते हैं, ठीक है, जो कि मिठाई बनती है एप्पल टार्ट. तो इसी मलाई से ये एप्पल टार्ट बनाया जाता है. She wanders loving here and there, and yet she cannot stray. All in the pleasant open air, the pleasant light of the day. अब जो कि ये जो गाय है वो घास खाने के लिए न जाने कहाँ कहाँ जाती है, न जाने इधर उधर कहाँ कहाँ घूमती है. लेकिन जितना भी गाय घूमे, जितना भी इधर उधर वो घास के लिए जाए, लेकिन वो कभी भटकती नहीं है. वो ध्यान से, याद से घर पर चली आती है, राइट. पता है हम सबको ये बात. यस, तो शी वंडर्स लविंग हियर एंड देयर. वो चाहे कहीं पर भी घूमे इधर उधर, ठीक है, लेकिन वो कभी भी भटकती नहीं है. एंड एट शी कैनॉट स्ट्रे, वो कभी भी भटकती नहीं है. ऑल इन द प्लीजेंट ओपन एयर, द प्लीजेंट लाइट ऑफ द डे. अब देखो कि दिन की सुखद रोशनी में, दिन की सुखद रोशनी में और खुली हवा में, और दिन की सुखद रोशनी में, खुली हवा में, देखो. एंड ब्लोन बाय ऑल द विंड्स दैट पास एंड वेट विद ऑल द शोवर्स. तो सुखद खुली हवा में, दिन की सुखद रोशनी में, और सभी हवाओं से क्या करती है ये जो काऊ है, ये इन सबको समा जाती है. इनके साथ जितने भी ऋतु आएंगे, जितने भी समर सीजन हो, विंटर सीजन हो, इन सारे ऋतुओं के साथ वो क्या करती है, तालमेल बनाए लेती है, ठीक है. और जब भी वर्षा हो, ठीक है, तो वर्षा के साथ वो गीले होने का भी आनंद लेती है. ओके, देन एंड ब्लो बाय ऑल द विंड दैट पास एंड वेट विद ऑल द शॉवर्स. शी वॉक्स अमंग द मीडो ग्रास एंड ईट द मीडो फ्लॉस. अब देखो कि ये जो काऊ है ये सभी ऋतुओं के साथ तालमेल करती है. उसके साथ वर्षा ऋतु में आनंद भी लेती है, वर्षा में नीला होकर आनंद भी लेती है उस ऋतु का. और वो घास के मैदानों के बीच क्या करती है, बड़े मजे से चलती है. जब भी बारिश होती है और हरी भरी घास निकलती है, तो उस घास के बीच में ये क्या
करती है, घास के बीच के मैदानों में बड़े मजे के साथ चलती है और इन्हीं घास पर जो नए नए फूल उमड़ आते हैं, नए नए फूल लगते हैं, तो इन फूलों को वो खाकर उसका भी आनंद लेती है, राइट? She walks among the meadow grass and eats the meadow's flowers. Okay, so this is very nice little poem. Okay, so I hope you can understand. So listen, children, आप इस poem को read करो, अच्छे से पढ़ो, learn करो. Okay, so मिलते हैं next studio में इसी poem के question answers के साथ. तब तक के लिए take care and bye.